हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और हमने एक इनिशिएटिव लिया है जो कि है मेरी और नीतू की लव स्टोरी की डॉक्यूमेंट्री। तो उसका पहला एपिसोड हम आपके सामने पेश करते हैं। जुड़े रहिए, इसी तरह प्यार देते रहिए। थैंक यू। नवंबर 2019, आज मैं थोड़ा फ्री हूँ क्योंकि सुबह थोड़ी बारिश हुई है और क्रिकेट की प्रैक्टिस आज होगी नहीं। टाइम पास करने के लिए थोड़ी देर फेसबुक चला रहा था कि मुझे दिखी ये नाम, नीतू बिष्ट। थोड़ी देर प्रोफाइल देखने के बाद समझ आया कि लड़की मॉडल के साथ साथ वीडियोस भी बनाती है। वैसे वीडियो में तो पार्टनर की ज़रूरत मुझे भी है, सिर्फ एक्टिंग के लिए। सोचा रिक्वेस्ट भेज दूँ। बहुत देर हाँ ना के बाद मैंने रिक्वेस्ट भेज दी। लेकिन मेरी प्रोफाइल पर लिखा हुआ था क्रिकेटर, और मैं इसको वीडियोस के लिए कैसे अप्रोच करूं? कहीं मुझे गलत ना समझे। खैर, अब क्या हो सकता है, रिक्वेस्ट भेज दी तो भेज दी, ऊपर वाले पे छोड़। अरे देख, किसी लखन अर्जुन रावत की रिक्वेस्ट आई है, क्रिकेटर है। ये फेक आईडीज होती हैं, मेरे को तो बिल्कुल फेक लग रही है। फेक कैसे हो सकती है, ब्लू टिक भी है यार। पर फिर भी यार, मुझे तो ये फिर भी फेक लग रहा है, पता नहीं। छोड़ ना यार, इंस्टाग्राम पे सर्च करूं? करके देख। वैसे पहाड़ी भी है, आई मीन गढ़वाली होगा। रावत रावत पहाड़ी पे, मम्मी तो गढ़वाली है। इंस्टाग्राम पे देखूं, लखन अर्जुन लखन अर्जुन रावत आ रहा है। इसमें वेरीफाइड है। मैसेज करके देखूं? करके देख, मुझे तो कुछ डाउट लग रहा है। अजीब नहीं लगेगा? आई मीन हाय तो करेगी, और क्या करेगी। अब मैं लिख देती हूँ कि लखन बहुत ज़्यादा, मेरा तो वैसे भी फेसबुक प्राइवेट है ना, तो मैं लिख देती हूँ हाय इज़ दैट यू हु सेंट मी फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक, है ना। मैंने लिखा है हाय इज़ दैट यू हु सेंट मी फ्रेंड रिक्वेस्ट ऑन फेसबुक, ओके ऑन फेसबुक। डन। ये मेरे मम्मी पापा। मम्मी थोड़ी सी नाराज़ है क्योंकि कल मैंने बाहर का खाना ऑर्डर करके मंगा लिया। आप समझ सकते हो, इंडियन फैमिलीज में ये भी एक गुनाह है। ओए गधे, इधर आ, लगी। खाना खाके देख, जल्दी आ। क्या बनाया? टेस्ट चीज बनी है, अच्छी अच्छी पसंद की, ले खा के देख, टेस्ट कर। इतना सा टुकड़ा खिलाया उसने, कितना बड़ा खाया, अंदर बड़ा का। फिर वो रुक रुक, नहीं पीनो। ये किसका है भाई, आपका है? ये मेरा है। मैंने तो पी लिया गुड़ के साथ। इंस्टाग्राम पर मैसेज, ओह नीतू बिष्ट का। खैर, ये सब तो यूं ही चलता रहेगा। आइए देखते हैं दूसरी तरफ क्या चल रहा है, यानी कि नीतू की तरफ। नीतू की बच्ची ने ये भी खा लिया और बोलती है कि मैं डाइटिंग पे हूँ। नीतू, तेरी डाइटिंग कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। क्यों, पक्का? हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं खा रही। पता नहीं किसने मेरा ये खोल दिया, क्योंकि कुछ लोग खाते नहीं है ये, क्योंकि ये बहुत अनहेल्दी होता है और लोग डाइटिंग पे होते हैं, फिर भी किसी ने खा लिया, आधा बचा हुआ है।
मैंने तो नहीं खाया। तो क्यों खाती है मैं जब तू तो डाइटिंग पर रहती है तो हमेशा तो ऐसे ही करती है। मैंने नहीं खाया। तू नहीं खाया तो और कौन खाएगा? थोड़ा सा खा ले तो क्या होगी? कर लिया। अरे देख मैसेज आ गया लखन का। कौन सा था? जो लखन अर्जुन रावत जो फेसबुक पे दिखाया था मैंने। क्या कह रहा है वो? कह रहा है हाँ वही वो मैं ही हूँ। क्या लिखूं? ओके वो केक लिख दे। ओके मुझे लगा फेक आईडी थी। ओके नहीं तो फिर सोचेगा ना कि ऐसे क्यों कंफर्म कर रही है। ओके मुझे लगा फेक आईडी थी। क्या बोलूं छोड़ क्या करना है इतना क्या है ऐसे ना समझे कि मैं चेप हो रही हूँ। नहीं तो फिर ज्यादा बात मत करना खत्म कर। ओके पूछ लेना क्यों भेजी रिक्वेस्ट ये पूछ ले। अरे हाँ पूछ लेती हूँ कि क्या फ्रेंड रिक्वेस्ट। अरे लिख रहा है कि एक्सेप्ट नहीं करी फ्रेंड रिक्वेस्ट। बोल मैं अननोन की एक्सेप्ट नहीं करती। मैं अननोन की एक्सेप्ट नहीं करती। वो मेरा प्राइवेट अकाउंट है। अरे यार नहीं तो तूने फिर से पूरी अलमारी बिगाड़ दी। देखो मेरे कपड़े और तेरे कपड़े मिक्स हो गए। क्या करती है यार तू? तो क्या हुआ कर लेना ठीक। क्यों ठीक करूं हर टाइम मैं ठीक करती रहती हूँ। तू ठीक करेगी इसको। मैं मुझे मेरे कपड़े अलग करके नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी। तू हमेशा फोन में लगी रहती है। अच्छा लाइट्स ऑफ कर दे। लाइट्स ऑफ कर दे। मैं पता क्या खाएगी अभी लंच डिनर में नाना जल्दी बता। मम्मी भी आने वाली है। मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दे। पिज्जा पिज्जा नहीं होगा। कोई जंक नहीं खाना। नहीं खुद ऑर्डर कर ले। पिज्जा तो ऑर्डर कर ही सकती है। और मैंने ऑर्डर कर दिया और तूने खाया। कर दे मैं तो खा लूंगी। खाने मुझे और ये क्यों रखा है? देखो मेरी जो सिस्टर है वो पिज्जा ऑर्डर नहीं कर रही है क्योंकि उसको नहीं खाना है। और जब मैं मंगवा लूंगी ना फिर ये खाएगी। बहुत गंदी होती है बड़ी बहन। और इस तरह शुरू हुई हमारी बातें। अनगिनत बातें फेसबुक और इंस्टाग्राम के बहाने ही सही लेकिन हम टच में तो आए। लड़की थोड़ी सी अजीब है। मैंने रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक पर और कंफर्म कर रही है इंस्टाग्राम पर। हो सकता है अपने फॉलोअर्स दिखा रही होगी। 2.5 लाख फॉलोअर्स जो हैं। खैर जो भी हो लड़की बड़ी प्यारी है लेकिन असली काम अभी भी बाकी है। साथ में वीडियोज़ भी तो बनानी है। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। हाय एवरीवन तो ये था हमारी लव स्टोरी का फर्स्ट एपिसोड। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो मुझे और लखन को जल्दी से कमेंट्स लाइक और शेयर करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और जो हमारा सेकेंड एपिसोड है वो भी बहुत जल्दी आएगा। तब तक हमारी वीडियोस को इसी तरह प्यार देते रहो अपना सपोर्ट देते रहो। थैंक यू सो मच गाइस लव यू बाय।